फ्रेंड आप जो देख रहे हैं ये देव नारायण जी का मंदिर है, आदिवासियों का मंदिर है। ये जावरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और खाटरोज से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव फंडा खेड़ी है, उज्जैन जिला, तहसील खाटरोज। तो अंदर का नज़ारा देखेंगे अपन फंडा खेड़ी। इस तरह के पुराने दरवाजे हैं, देखिए फन्ना खेड़ी का मंदिर कहा जाता है यहाँ पे। तो अब इधर का चारों तरफ का नजारा देखे ने हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हम घंटी बजाई, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर बहुत सारी गुफाएं भी है। और आगे बढ़ते हैं, ये शायद पुरानी गुफाएं हैं, अभी बंद कर चुके हैं। और ये वाली गुफाएं, इस तरफ जाते हैं तो कृष्ण मंदिर है। ये देखिए अब और अमरनाथ जी की गुफाएं। अभी सब ये दरवाजे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बंद कर दिए गए हैं अंदर। काश किसी ज़माने में थे अंदर। यहाँ से 1-2 किलोमीटर तक दूरी की पुलियाई थी, यहाँ से लोग गुप्त रास्ते थे जो कहाँ से 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर निकलते थे। जैसे कि पहले ज़माने में राजा महाराजा बनाया करते थे। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे इधर की ओर। आज मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में मंदिर है। अब मैं मंदिर के ऊपर की ओर जाया जा रहा हूँ। वहाँ पर भी चढ़ने का रास्ता मेरे नहीं दिखे, वो ऊपर से है। वहाँ से ये जो सामने की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। बहुत सारे घूमच हैं यहाँ पर। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी के रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ का इंटरफेस, जब यहाँ पे आदिवासियों का मेला लगता है तो बहुत ही आनंद आता है देखने का। और लोग यहाँ पे इन भगवान को जो है शराब पिलाते हैं। इस तरह का इसका इंटरफेस है, दे रहा है आपको। ये पास में जो रोड जा रहा है वो जावरा से खाटरोज की ओर आता है। जैसे जावरा से रतलाम, उज्जैन सभी प्रकार के रास्ते हैं, छोटा हाईवे है। और भी आगे चल कर मैं बताऊंगा आपको। विशेषकर से यहाँ पे आदिवासी लोग जो है ज़्यादा आते हैं। अभी इस चोटी के अंदर हम आ गए हैं बहुत ऊपर।
ये देखिए नीचे का नज़ारा, और इस तरफ ये ऊपरी दूसरी बिल्डिंग पे हैं। अब मैं जो ऊपर की ओर जाने जा रहा हूँ, और भी ऊपर तो ये मैं आ गया ऊपर। ये देखिए मैं भी, शराब का ढक्कन भी है, लोग यहाँ पे आके दारू वगैरह पीते हैं। कोई दारू शराब पिए का कोई प्रतिबंध नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर खुद भगवान को भी ले जाती है। अभी लास्ट में देखना आपको, मैं वहीं पे ले चलूँगा। और भी ऊपर जा रहा हूँ मैं, तीसरी बिल्डिंग पे। ये देखिए यहाँ का लास्ट में इंटरफेस ऐसा है। ये बारिश का मौसम हो रहा है तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो अब मैं नीचे की ओर चलता हूँ। आपने तो पास में रहना कौन सा काम? तो अब हम सिर्फ एक ही काम बचा है, जो है मंदिर में जाना। मंदिर में चलेंगे अपन। ये देखिए यहाँ का नजारा मंदिर के अंदर का लास्ट। ये देखिए यहाँ इनको शराब पिलाई जाती है। देखिए वहाँ पे शराब की बॉटल भी पड़ी है, दो तीन चार। और देखिए वहाँ पे कटोरी के में जो है कटोरी चार सामने की ओर दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे इसमें कटोरी में डाल के ना इनको मुँह में दिया जाता है, तो शराब का पता नहीं कहाँ जाती है अपने को तो। और इधर में कुछ देवनारायण के तस्वीर वगैरह हैं, बैठी हैं। तो इस तरह आपको का ये मंदिर है, आदिवासियों का मंदिर है, जो कि बहुत ही आदिवासी लोग यहाँ पे आते हैं। आदिवासियों का क्या है, सभी के भगवान है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो ये अब जो है मैं मंदिर से बाहर निकल गया हूँ। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन खड़ी है तो मुंह धोऊंगा। जय हिंद दोस्तों।